हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपने सुहाने एनएस बेस्ट 24। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सावन के महीने में यदि आपके घर में सांप आता है तो ये किस बात का संकेत होता है। घर में सांप का आना सावन के महीने में शुभ होता है या फिर अशुभ, तो आइए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सके। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में घर में सांप का आना कैसा संकेत माना जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में घर में सांप का आना शुभ माना जाता है क्योंकि सांपों को भगवान शिव का मित्र माना जाता है। सांप भगवान शिव के मित्र होते हैं और भगवान शिव अपने गले में माला बनाकर पहनते हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव भी धरती पर अवतरित होते हैं, इसलिए यदि आपके घर में सावन के महीने में सांप आता है, खासकर यदि आपके घर में काला सांप आता है, तो ये काफी शुभ माना जाता है। सावन के महीने में घर में सांप निकलना या फिर आना इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको उन्नति तरक्की सफलता हासिल होने वाली है। आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कष्ट हैं, वो जल्द ही दूर होंगे। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपको धन का लाभ भी होगा। किसी कार्य में सफलता का संकेत माना जाता है और साथ ही किसी मनोकामना पूर्ति का संकेत भी होता है। यदि आपके घर में काला सांप आता है तो इसका अर्थ है जल्द ही आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसलिए यदि आपके घर में सांप आता है, निकलता है सांप, तो उसे मारे बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कोई भी सांप हो, उसे घर से बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।